हेलो एंड वेलकम यू टू माय चैनल। माय नेम इज़ विशाल। आज मैं अटैक मूवी बॉक्स ऑफिस पे फेल होने के कुछ रीजंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म में देखने लायक एक्शन के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। फिल्म का ट्रेलर और मूवी दोनों बिल्कुल सेम है, नया कुछ भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और वही पुराना इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल देख देख के हम लोग ऑलरेडी बोर हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, हमारा पार्लियामेंट में अटैक करते हैं और जॉन जाके उस आतंकवादी को मार के हमारे देश को बचाते हैं। बस यही है फिल्म की पूरी स्टोरी। जैकलिन की वीक एक्टिंग ने भी फिल्म में कुछ खास इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं किया। पूरा फिल्म आपको देखी दिखाई ही लगेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऐसे टॉपिक पे बहुत सारे फिल्म पहले ही देख चुके हैं, इसीलिए इस फिल्म में यूनिक वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बॉलीवुड से कुछ अलग देखने को मिला। ये फिल्म सिर्फ एक बार ही देख सकते हैं, ज्यादा नहीं। जॉन को सुपर सोल्जर तो बोल दिया गया, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होता, सुपर सोल्जर के बारे में बहुत कुछ दिखाया भी जा सकता था, लेकिन फिल्म में ऐसा कुछ भी दिखाया ही नहीं। स्पेशल इफेक्ट बजट के हिसाब से ठीक ठाक था, लेकिन इसे और भी ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता था। अटैक बॉलीवुड के लिए एक अच्छा कोशिश है, लेकिन फिर भी बॉलीवुड यहाँ पे फेल होता हुआ दिख रहा है। फिल्म खत्म होने के बाद स्टोरी आपको बिल्कुल भी कुछ याद नहीं रहेगा, सिवाय कुछ एक एक्शन सीक्वेंसेस को छोड़ के। लेकिन फिल्म के एक्शन बहुत अच्छे थे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो अगर आप एक्शन फिल्म देखना चाहते हैं और टाइम पास के लिए, तो आप अटैक को जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक्शंस बहुत अच्छे थे इस फिल्म में। तो यही तक था आज का वीडियो। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।